वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में अपने पास दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं। हम लोग को बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन फ्रॉम दिस एंड दिस पता करना है, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करने के लिए इन दोनों इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे। अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करता हूं, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स करके इसमें ऐड कर देता हूं, तो मेरा यही रिएक्शन आएगा। देखते मैं इसको रिवर्स करता हूं तो आएगा एस टू टू माइनस इक्विलिब्रियम विथ सल्फर टू माइनस प्लस सल्फर। अब इसको जरा ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए और इसको ऐड कीजिए। सो देखो सल्फर टू माइनस यहां रिएक्टेंट में, सल्फर टू माइनस यहां प्रोडक्ट में, तो कैंसल कर देंगे। यहां पर एक सल्फर प्रोडक्ट में, यहां टू सल्फर रिएक्टेंट में, तो एक सल्फर और यहां से एक सल्फर कट कर दिए, तो अपना ये बच गया, फिर ये आ गया और यहां से ये बच गया। तो मींस इन दोनों को ऐड करने से अपना रिएक्शन ये आ रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका और इसका मल्टीपल होगा। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका रेसिप्रोकल है। रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। दो रिएक्शन को ऐड किए, उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो योर आंसर इज 13। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 13 आएगा।